रोड पास हुए 140 करोड़ के MMRDA के माध्यम से जो हमने करा के लाए हैं, जो सबके सबका सपोर्ट था, उसके वजह से महापालिका ने भी हमको ठहराव करके दिया, एरिया करके दिया, और हमने MMRDA में जाके जो और हमारे CM साहब से फंड लाके वो हमने काम चालू पास करके लिया। आज वो ठेकेदार काम करने के लिए तैयार है, लेकिन महापालिका को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द वो जिनका उनको जो रोड वाइडिंग का उनका मसला है वो हल करके दो, क्योंकि तुरंत काम चालू हो जाए और जल्द से जल्द वो काम ख़त्म हो गए और भिवंडी वासियों को ये खड्डे से मुक्त कर दे, क्या ये खड्डे की समस्या दूर हो जाएगी। ये मैं आयुक्त साहब को भी बोलना चाहता हूँ और महापौर साहब को भी बोलना चाहता हूँ, जो उनको जो ज़रूरत पड़ रही है ठेकेदार को, उनके पीछे खड़े रह के उनकी जो समस्या है वो आप दूर कर दें तो ये रोड जल्द से जल्द तैयार हो जाए। महानगर पालिका में जहाँ हम लोग हाथ लगाते हैं वहाँ भ्रष्टाचार है। अभी जो चार नगर सेवकों का जो विषय था, शुक्र नगर सेवकों का, जैसे आमदार साहब ने बताया वैसे कुछ समाचार पत्रों में भी लिखा है कि पैसे का लेनदेन का विषय, खुद के पक्ष के लोग न होते हुए बाहर के लोगों को लेकर उन्होंने नगर सेवक पद दिया, इसका कारण क्या है? पैसे का लेनदेन था। पैसे के लेनदेन में ऐसी परिस्थिति आई कि उनके सब पेपर खोटे। जैसे आमदार साहब ने बताया, एक जो उम्मीदवार है, एक नगर सेवक जो चुन के आ गया था, एक नगर सेवक नहीं रहा, लेकिन नगर सेवक उनके समाज के लोगों ने सिफारिश पत्र नहीं दिया, खोटा सिफारिश पत्र लगाया है। एक व्यक्ति ने जो पत्र दिया है, एक पत्र जो दिया है उसकी सोसाइटी बने हुए 1 साल हुई है, लेकिन 5 साल के पेपर्स वहाँ प्रोड्यूस किए। एक व्यक्ति का मैंने एड्रेस जो सोसाइटी का एड्रेस दिया है भंडारी कंपाउंड वहाँ एड्रेस पे कोई सोसाइटी नहीं है, वहाँ संस्था ही नहीं है। ऐसे लोगों को उन्होंने जो दिया है ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल है। एक और इसके अंदर ज़्यादा अगर महापौर अपीएससी ठहरे, आज जब महासभा में विषय हुआ था, महासभा में विषय होने के बाद में मैंने उसका प्रखर विरोध किया था, लेकिन महापौर ने एक नहीं सुनी और महापौर ने अपने संख्या बल के आधार के ऊपर सब उन्होंने पास करके लिया। तो आज मैं तो महापौर को ये जो मनमानी कारोबार है, जो मैंने महासभा में उनके आरोप लगाया कि आप मनमानी कारोबार करते हैं, तो आज महापौर को इस्तीफा देना चाहिए। आज महापौर को अपनी पार्टी, उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के दबाव में उन्होंने सब किया, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरा उनसे इस्तीफे की मांग है। और जैसे अभी आमदार साहब ने ये रोड का बताया, आज 15 करोड़ की रोड का जो टेंडर पास हुआ है, किसी भी नगर सेवक को ये मालूम नहीं है कि कौन सी रोड बनने वाली है। जब ये टेंडर पास हुआ था महासभा में तो मैंने प्रश्न किया था सिटी इंजीनियर से कि भाई ये रोड कौन सी बनने वाली है, हमको आज लिस्ट देनी चाहिए। लेकिन आज 5-6 महीना हो गया प्रस्ताव पास हुए, आज तक हमारे को कौन सी रोड बनने वाली है मालूम नहीं है। 2 करोड़ के जो टेंडर हुए हर एक प्रभाग समिति के अंदर जो गटर के, आज गटर कौन से गटर बनने वाले हैं ये आज तक किसी नगर सेवक को मालूम नहीं है। मतलब हर एक विकास काम करने के लिए नगर सेवक का पत्र लिया जाता है, यदि 1 लाख का भी काम करते हैं तो नगर सेवक का पत्र लेते हैं, लेकिन ये 2 करोड़ और 3 करोड़ का हर एक प्रभाग समिति वाला साधारणतः तीनों प्रभाग 25 करोड़ के टेंडर है, 25 करोड़ के टेंडर के अंदर किसी नगर सेवक को ये मालूम नहीं है कि कौन सी रोड बनने वाली है। आज मैं कमिश्नर महोदय से मिला इस विषय में, तो इंजीनियर को मालूम नहीं कौन सी रोड कौन सी गटर है। ये परिस्थिति आज भिवंडी महानगर पालिका की है। तो ये सबसे बड़ा कारण जो इसके पीछे कारण है भ्रष्टाचार, चाहे वो शुक्र नगर सेवक का विषय हो, चाहे रोड रस्ते का विषय हो, चाहे गटर का विषय हो, ये भिवंडी महानगर पालिका की परिस्थिति ऐसी है जो सत्ता में आज भिवंडी की जनता का दुर्दय कि जनता ने आज 47 नगर सेवक चुन के दिए कांग्रेस को, पूर्ण बहुमत दिया। ये पूर्ण बहुमत देके क्या फायदा हुआ, हालत खराब है। आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं हमारे समाज का एक महाराजा अग्रसेन भवन बन रहा है यहाँ इधर टेम घर के अंदर, मैंने उस रोड उस चौक का और एक अप्रोच रोड का नाम देने के लिए मैंने विनती पत्र दिया महापौर महोदय को, नगर सचिव को। नगर सचिव का मेरे को पत्र आया है कि वाकई स्थानीय नगर सेवक का विरोध है, एक चौक का नाम देने के लिए नगर सेवक विरोध कर सकता है कि मेरे वार्ड में मेरे को बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये 15 करोड़ की और 10 करोड़ के रोड गटर कैसे बन रहे बिना पत्र के, जब एक चौक का नाम देने के लिए नगर सेवक का इतना सचेत है और इतने बड़े 25 करोड़ के काम बिना नगर सेवकों को विश्वास में लिए हुए, हमको मालूम नहीं है कि कौन सा रास्ता कौन सा गटर बनने वाला, हमको मालूम नहीं है। ये परिस्थिति भिवंडी महानगर पालिका की है। तो निश्चित रूप से महापौर और ये प्रशासन दोनों फेल है, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज जो सिटी इंजीनियर बोल के जो बैठे हैं LP गायकवाड़, उनके पास कौन सा डिप्लोमा है,
आज उनके पास वो सिविल इंजीनियर नहीं है, वो बी नहीं है और वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी नहीं है, उनके पास खाली डिप्लोमा है। ये भिवंडी का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? ये सत्ता में बैठे हुए लोग खाली भ्रष्टाचार 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 के अंदर लिप्त है और उसके अंदर कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल है। हमारा स्पष्ट आरोप जो है, जब आप बोलते हैं डिप्लोमा धारक है तो भिवंडी में सभी डिप्लोमा धारक है, तो गवर्नमेंट से जो है आपने मांग की है क्या? मांग की एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट ने भोसले बोल के यहाँ सिविल इंजीनियर दिया था, लेकिन आयुक्त ने और यहाँ सत्ता में बैठे लोगों ने उसको साइड में बैठा के रखा। आज गवर्नमेंट इनको यही पूछ रही है कि हमने जब आपको दिया तो उसको आपने जवाबदारी क्यों नहीं दी? तब इनको यहाँ भिवंडी का एक डिप्लोमा धारक ही चल रहा है। जो जो यदि सही मायने में इंजीनियर आएगा, भोसले की कभी नियुक्ति की? भोसले की साधारण मतलब साल भर पहले आज कम से कम 6 महीना बैठा रहता। वो 6 महीना महानगर पालिका में आके हमने पगार दी उसको लाखों रुपया महानगर पालिका ने पगार दी, उसका कोई उपयोग हमने नहीं लिया, साइड में बैठा के रखा उसको। मना कर दिया ना काम, जब ये 5 लोग सस्पेंड हुए, 5 लोग सस्पेंड होने के बाद उसको जवाबदारी दी गई, जवाबदारी उसने मना कर दिया। तो प्रसाद नहीं पूछ रहा है, मेरे सामने की बात है। हमदर साहब, मैं खासदार, हम लोग सब गए थे महापौर के सामने थे, चंद्रकांत दादा पाटिल के, हम लोग जब पीएस से मिले, उन्होंने पूछा उनको कि हमने आपको भोसले साहब दिए थे, उनको आपने जवाबदारी नहीं दी, तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था। ये परिस्थिति, इसके पीछे एकमय कारण है भ्रष्टाचार। इन्होंने अपने हिसाब से अधिकारी बिठाने दिए, बोलते आज टीपी में टाउन प्लानिंग में कई अधिकारी दिए, जो कलर्क है उनको आज जेई बनाया उन्होंने, कितना टिपिकल काम है, लेकिन उन्होंने जेई बनाया उनको। ऐसी परिस्थिति महानगर पालिका में है, परिस्थिति बहुत विकट है। आपने बताया था ना कि अभी ये स्वीकृत सदस्य के लिए जिन्होंने बोगस कागज पत्र लिए, समाज का बोगस लेकर जुड़ा, तो अभी उन्होंने महानगर पालिका और शासन की फसवणूक की है, फौजदारी गाना रखने के लिए आपने कुछ किया? उनपे मैंने आज कमिश्नर से टोंडी मांगी है कि 420 का गुना दाखिल करना चाहिए। मैं कल सुबह कमिश्नर से पत्र आने लेकिन पत्र व्यवहार भी करने वाला हूँ कि आप इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। समाज ने भी लेटर दिया, समाज के लोगों ने पत्र दिया, समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित है कि उन्होंने ये जो पत्र दिया, सिफारिश पत्र उन्होंने दिया नहीं है, इसने जबरदस्ती वकील को पकड़ के इन्होंने झूठा भी बनाया है, और समाज के उसके ही भाई के लड़के या भतीजे के लड़के को सचिव बनाया, उसकी सही लेके इसने बताई, वो सचिव की भी रिकॉर्डिंग है। बोले उसके क्या किया, बोले कैसा बना तू, तो बोलता मेरे को कामूर्ति साहब ने बोला सही कर, मैंने सही कर दिया, मैं किधर पदाधिकारी हूँ किधर, वो खुद बोल रहा है। अरे कैसा है, जिन्हों को उनकी जिंदगी जो भ्रष्टाचार में गई है, जिंदगी भर वही काम किया, जो आज बोलता हूँ ना मैं 200-300 एकड़ ये लिया, किसको मिलती है जगह, शेतकरी को मिलती है, इसके बाप ने कभी खेती नहीं की, और इसने बोलता 200-300 एकड़ जगह कहाँ से शेतकरी बनाए, शेतकरी का दाखला भी झूठा बनाया इन्होंने, मेरे पास वो भी प्रूफ है भाई जी। पुराना भाजपा में कितना उनको प्रतिष्ठित कितना, तो वही बात है ना, एक ही शाना निकला और